वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमने अपने कल के लास्ट वीडियो के अंदर लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था इट मीन्स हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी अपने पार्ट फोर्थ में चैप्टर uh, सेकंड का सोल्यूशन का जो हम पार्ट फोर्थ कर रहे थे यहाँ हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे और इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वेन वी आर एडिंग द सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड सोल्यूट इन द सल्यूशन वेपरप्रेशर विल बी डिक्रीज दैट इज नॉन एज लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कल हमने ग्राफ के साथ उसकी स्टडी किया था एंड इन आर टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉयलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रिजिंग पॉइंट दीज आर अनदर टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं लॉवरिंग वेपरप्रेशर क्या है इसके लिए आप कल वाला वीडियो देखें अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉयलिंग पॉइंट तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें यहाँ सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बना रखा है इस ग्राफ में आपको यहाँ वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा है ये टेम्परेचर दिखाई दे रहा है यानी कि ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में बनाया है ठीक है अब मैंने आपको जब पहले कल पढ़ाया था जो वेपर प्रेशर वाला ठीक है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मैं उन्होंने बताया था लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ठीक है ये किसके बराबर होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग टेम्परेचर तो देखें ये हमारा क्या था पी नॉट यानी कि सॉलवेंट का और ये सोल्यूशन का तो सोल्यूशन में डालते ही प्रेशर कम हो गया था लेकिन प्रेशर कम हो गया देखें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो प्रेशर यानी डेल पी तो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बट वेपर प्रेशर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक नुँ। है बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो बॉयलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा सिंपल सी बात है हम किसी सोल्यूशन को किसी कंटेनर में लेकर अगर उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो बॉयलिंग टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए ठीक है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए मतलब कि वो वेपर बनाने स्टार्ट कर दे अब मैं कह रही हूँ कि अगर किसी चीज़ का बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा है बॉयलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब उसमें प्रेशर लेट बन रहे हैं लेट बन रहे हैं यानी कि अगर सेम टाइम पे कंपेयर करें एक कंटेनर में मैंने कल भी बताया था एक कंटेनर में अगर हम वाटर ले लेते हैं और सेकेंड कंटेनर में हम वाटर प्लस सॉल्ट ले लेते हैं ठीक है और दोनों को हम सेम हीट देते हैं दोनों को हम हीट दे रहे हैं ठीक है दोनों को हम गर्म कर रहे हैं बॉयल कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो वाटर है उसमें टेन uh, मिनट बाद हम देखेंगे कुछ वापर बनना है दस बीस मिनट बाद वापा बनना स्टार्ट हो जाएंगी लेकिन जो वाटर प्लस सॉल्ट का सोल्यूशन है उसके अंदर वेपर लेट बनेगा ठीक है यानी उसका टेम्परेचर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप देखें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये रहा आपका टी बी टी बी और ये है टी एस ठीक है यानी सोल्यूशन का बॉयलिंग पॉइंट हमारा टी बी जो है हमने किसका माना है सोल्यूशन का माना है ये देखें आप ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है ये जो है वो किसके लिए है पी एस पी एस यानी सोल्यूशन के लिए तो ये है हमारा जो टी बी है वो किसके लिए है सोल्यूशन के लिए बात हो रही है और ये पी नॉट ये पी नॉट वाला टी नॉट इट मीन्स सोलवेंट का यानी कि प्योर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जबकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा बल्कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बात समझ में आई देखें यहाँ मैंने लिख के रखा है वेन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू अ सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है आपने देखा भी होगा ये चीज़ डेल टी बी यानी कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इफ़ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विल भी इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट विल भी Uh, हम ये कह दें कि डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेस ठीक है एंड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था मैंने आपको कल भी बताया था ये था हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस ठीक है यानी कि सॉल्वेंट का ज़्यादा है सोल्यूशन से लेकिन डेल टी बी क्या है डेल टी बी अभी हम आगे बढ़ेंगे डेल टी बी है हमारे पास टी बी माइनस टी नॉट ठीक है टी बी माइनस टी नॉट ठीक है अब आगे बात करते हैं क्या चीज़ है देखें द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एलवेशन ऑफ द बॉयिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन एलिवेशन मीन्स होता है बढ़ना तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रपोशनल है किसके मुलालिटी के मुलालिटी टर्म हमने कंसनट्रेशन में पढ़ी थी दैट इज मास बेस्ड कंसनट्रेशन एम आई क्लियर यहाँ एक इंपॉर्टेंट हम ये कह दें कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसको दे सकते हैं डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी इट मीन्स एज द मुलालिटी विल भी इंक्रीजेस ठीक है बॉइलिंग पॉइंट विल भी इंक्रीजेस डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग पॉइंट अब पपोशन का साइन हटाएंगे तो पपोशन का साइन हटते ही यहाँ एक कॉन्सटेंट आ रहा है कॉन्सटेंट हम है के बी ठीक है मुलालिटी हमें सबको पता है मुलालिटी क्या चीज़ है नंबर ऑफ मूल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉलवेंट देखिए फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डेल टी बी के बी अब क्योंकि नंबर ऑफ तो एन ए सॉल्वेंट का वेट डब्लू ए ग्राम में मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं यहां ठीक है अब देखिए क्योंकि मुझे पता है एन बी क्या होता है अब एन बी एन बी क्यों लिया मैंने यहां पर क्योंकि मोल सोल्यूट की बात हो रही है तो एन बीज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम ए सो द फॉर्मूला बिकम्स डैल टी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ सॉलवेंट एम बी इज इकस टू मोल मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ठीक है सो so, uh, देखिए हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हो तो डिपेंड करेगा इट इज डिपेंडिंग तो ऑन टोटली डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीट इज़ uh, आस्किंग डेल टी बी और इट इज़ आस्किंग एम बी अगर मोलिकुलर मास पूछ रहा है तो आपको फॉर्मुला इस तरीके से लगाना पड़ेगा कुछ भी नहीं किया है मैंने फॉर्मुले में एम बी को बस यहाँ से यहाँ ले लिया है बाकी और कोई चेंजेस नहीं है टर्म्स क्या हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं टर्म्स क्या हैं देखिए यहाँ अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो डेल्टी भी क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट सो हाउ वी कैलकुलेट सोल्यूशन में से माइनस कर दें टी नॉट को ठीक है क्योंकि सोल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो चुका है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट है एंड वट अबाउट द के बी के बी कहलाता है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इट इज ऑल्सो नॉन एज मूल इक एबिलोस्कॉपिक कॉन्स्टेंट ठीक है द अदर नेम इज मूलल एबिलोस्कोपिक कॉन्सटेंट इसका एक फॉर्मूला है जो आप ध्यान रखेंगे आर टी नॉट स्क्वायर वन थाउजेंड एल बी हर एल बी यहाँ पर क्या है देखिए एल बी जो है यहाँ पर लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ठीक है वेपर में बदलने के लिए जो लेट हीट है हमारे पास टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट गैस कॉन्स्टेंट अब क्योंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन एटमोस्फेरिक लीटर मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स अगर कैलरी होती तो टू कैलरी हो जाती ठीक है टू कैलरी मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स और अगर हम जैसे थर्मोडाइनमिक में लास्ट टाइम बात करके आए थे तो वहाँ क्या थी एट जूल मोल इनवर्स कैलविन इनवर्स ठीक है ये सारी वैल्यू ध्यान रखें न्यूमेरिकल में काम आती हैं अब ये जो हम यहाँ ऑफ वेपरेशन ले रहे हैं ये भी बात ध्यान रखना है ये पर किलो पर ग्राम में है किलोग्राम में नहीं है पर ग्राम में एनर्जी है ठीक है अब पर ग्राम एनर्जी जो होती है वो हम डेल एच पे लेते हैं एंथेल्बी चेंज की बात करते हैं ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एच वी अपॉन एम ए रही है तो फॉर्मूला हमारा ये चीज़ बन जाएगी वैसे इस फॉर्मूले के ऊपर निमारिकल नहीं है ठीक है ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि अब क्या सी बी बोर्ड में रीजन uh, असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी बनने लगे हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी बनने लगे हैं तो हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे कोई फॉमुला स्किप नहीं करेंगे ठीक है आगे बात करते हैं तो आगे आप देखें यहाँ हमने यूनिट की बात करी है कि के की यूनिट क्या होगी तो डेल्टे बी के बी मोलालिटी की बात हो रही थी तो के बी की यूनिट निकालनी है तो ऐसे लिख लेते हैं अब क्योंकि टेम्परेचर कैलविन में होता है और मोलालिटी मोल किलोग्राम इनवर्स यानी कि अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो क्या हो गई कैलविन किलोग्राम ऊपर जाकर मोल इनवर्स इज दैट क्लियर यूनिट ध्यान रखना है एक नंबर में पूछ लेते हैं कैलवीन किलोग्राम मोल इनवर्स अब एक और बात आप ध्यान रखिएगा मैंने आपको जब आ, कंसेंट्रेशन पढ़ाई थी तब भी कहा था ऑल दी कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है तो के भी हमारे पास क्या होगी ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है के भी भी क्या है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है माई क्लियर ओके okay. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक देखिए वीडियो आप दो तीन बार सुनना हो सकता है कि स्पीड थोड़ी फास्ट हो जब आप दो तीन बार सुनेंगे इवन आप अपने रफ नोटबुक लेके बैठें प्लस आप जितने भी नोट्स हैं इनको कॉपी करते जाएँ ठीक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट पहले तो मीनिंग ही समझ लेते क्या है देखिए वन वी आर एडिंग द सॉलिड सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन द सोल्यूशन ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट विल भी डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था बट फ्रीजिंग पॉइंट विल भी डिक्रीज ओके एंड हाउ मच विल भी डिक्रीज इट इज इट इज टक्टली प्रपोशनल टू द अमाउंट तो मोलालिटी के टर्म के बराबर होगा ये भी देखें यहाँ ये आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है ये सेम मैंने प्रेशर इसके बीच में बनाया पर थोड़ा सा चेंजेस है देखें वहाँ जब हम देखते थे तो टेम्परेचर जो हो रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा था यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है ठीक है यहाँ आप देखें ये मेरे पास है किसका ये है मेरे पास पी नॉट ठीक है ये फिर है मेरे पास पी सोल्यूशन तो इसका टेम्परेचर कम हो गया सबसे ज़्यादा पी नॉट का है है ना तो सिमिलरली बात है अब ऐसा क्यों होता है क्यों डिक्रीज़ हो रहा है तो क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज़ हो रहा है तो आप ये बात ध्यान रखें कि ये डेल एफ जो है हमारे पास है ना ये जैसे जैसे बब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एफ़ भी जो होती है यानी कि टेम्परे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता चला जाता है ठीक है डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मुलालिटी सेम प्रोपोर्शन का साइन हटाया सिंबल आया के एफ वहाँ के भी आया था क्योंकि बॉइलिंग की बात थी आगे देखें आप यहाँ एक फॉर्मूला है हमने दिखा है हेरा फॉर्मूला तो सेम चीज़ है क्योंकि मोलालिटी थी तो नंबर ऑफ़ मोल्स की बात कर ली हमने है ना मुलालिटी की बात आई तो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ली और फिर से देखें तो इस फॉर्मूले में ही हमने वही चीज़ निकाल दें जो वहाँ फॉमुला है बिल्कुल सेम है कुछ भी डिफरेंट नहीं है ठीक है डैल टी एफ क्या है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है कैसे निकालेंगे अब क्योंकि सॉल्व यहाँ पर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो टी नॉट माइनस टी एस वहाँ क्या था टी एस माइनस टी नॉट था जब डेल टी भी निकाल देते इज बट क्लियर ध्यान से सुनिएगा आप वहाँ हमने क्या कहा था मूलल एलिवेशन कॉन्सटेंट यहाँ के एफ़ क्या है मूलल क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट या मूलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ठीक है क्योंकि कम हो रही है चीज वैल्यू वही रहेगी लेकिन यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग आ जाएगी वहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ रही थी थोड़ा सा चेंज आया बाकी और कोई चेंज नहीं है दोनों सेम है यूनिट कैलविन किलोग्राम मूल इनवर्स ही रहेगी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है ओके तो आगे देखें वही यूनिट है देखिए मैं वापस से डराइव करके नहीं बता रही हूँ कैलविन किलोग्राम मूल इनवर्स अब चार इन्वेस्ट नहीं करते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा आता है देखिए एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिख रखा है देखिए इसको ध्यान से पढ़ें वॉट विल बी पॉइंट ऑफ बी आर टू ठीक है वे वन 175 फोर पॉइंट फाइव वन फाइव फोर पॉइंट फाइव ऑफ एस एट एटम इज एडेड इन 78 एट ग्राम ऑफ बी आर टू पहले तो ये मिलीग्राम है और ये ग्राम है ठीक है तो मुझे इस टर्म को चेंज करना पड़ेगा मिलीग्राम को ग्राम बनाना पड़ेगा तो आपको पता है वन मिलीग्राम टेन रिस्ट चुपाओ माइनस थ्री ग्राम ठीक है तो हम पहले तो इन यूनिट को सेम बनाएंगे आप देखें यहाँ पर मैंने मुझे टी एस निकालना है सोल्यूशन की बात करी थी उसने ठीक है टी नॉट दिया हुआ था है ना और इसी तरीके से मुझे के बी की वैल्यू यहाँ पर दे दी है ये लिख रखी है के बी की वैल्यू ठीक है डब्ल्यू ए मैंने लिख लिया सेवेंटी एट ग्राम था डब्ल्यू बी मिली में था तो देखिए टेन रिस्ट चुपाओ माइनस थ्री का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एम बी कैसे निकाला क्योंकि मुझे बताया एस एट है और एक सल्फर का कितना होता है एक सल्फर का होता है हमारे पास मास थर्टी टू तो अगर हम निकालेंगे ठीक है इनका तो टू फिफ्टी सिक्स हो जाएगा थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई एट करके फॉमूला लगाया हमने अपने डेल्टी बी का ठीक है और फॉमूले में वैल्यू पुट कर दी तो जैसे ही हमने फॉमूले में वैल्यू पुट करी आप देखें आंसर क्या आता है हमारे पास हमने कुछ नहीं कराया सिंपल कैलकुलेशन पार्ट हम करते चले गए और मेरे पास टोटल आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव अब क्योंकि मुझसे उसने क्या पूछा था मुझसे उसने टी एस पूछा था ठीक है टी नॉट मुझे गिवन था तो मुझे पता है कि डेल टी भी मैंने निकाल दिया है टी एस मुझसे पूछा है टी नॉट मुझे दिया है तो टी नॉट की टर्म को मैं यहाँ ले जाती हूँ प्लस कर लेते हैं आंसर मेरे पास आ गया बात समझ में आ गई क्लियर है आपको एक बार फिर से देख लें आप न्यूमेरिकल वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल खुद लिख के खुद सॉल्व करके देखना जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे न्यूमेरिकल को रफ कॉपी में आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम क्या चीज़ें देखें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं ज़्यादा नहीं देखेंगे आज हम इसे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सबसे पहले तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है ये देख लेते हैं फ्लो ऑफ सॉलवेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन टू द हायर कंसनट्रेशन सोल्यूशन लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन से हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखो कई बार जब हम गाइड पढ़ते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ लिखा हुआ होता है हायर कंसनट्रेशन बट हायर कंसनट्रेशन के आगे एक वर्ड और होता है हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कंसनट्रेशन है क्या कंसनट्रेशन हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ठीक है प्रेजेंट इन द सोल्यूशन कितना सोल्यूट हमारा सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ऑस्मोसिस क्या है कम कंसनट्रेशन वाली जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन uh, वाली जगह पर ठीक है सोल्यूशन का फ्लो होना थ्रू द सेमी प्रमेबल मैम्बर ठीक है सेमी प्रिमेबल मैम्बर क्या होता है जो कुछ चीज़ों को परमिट करती हो अपने में से पास होने के लिए सारे पार्टिकल्स को नहीं कुछ पार्टिकल्स को पास होने के लिए अलाउ करती हो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस इज इट क्लियर देखिए यहाँ एक एस बना रखी है दो सोल्यूशन है सी वन ठीक है और सी का कंसंट्रेशन मैंने ज़्यादा दिया है और सी का कम दिया है फ्लो कहाँ होगा सी से सी की तरफ होगा अब ये तो था ऑस्मोसिस माइंड में क्वेश्चन आता है यार ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है तो आप यहाँ देखें द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हायर कंसेंट्रेशन सोल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस यानी कि देखें मैंने कहा लो कंसनट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है अब जब फ्लो हो रहा है तो हाई कंसेंट्रेशन वाला भी क्या करेगा एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन ठीक है हाई कंसनट्रेशन वाली अमाउंट उसको अपोज करेगी वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसके ऊपर तो उसको रोकने के लिए जो वो प्रेशर एग्जर्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर वही क्या कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है इज़ दैट क्लियर ओके आज हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो